तो अभी लॉटरी साफ कर रहे हैं। ये रहे हमारे पापा जी, झटका लेके साफ कर रहे हैं। अभी बरसात बहुत तेज आई तो पानी यहाँ तक आ गया, पहले पानी नहीं था। ये हमने जुगाड़ लगा के पानी किया था। तो गाइस पावर टिलर चालू हो गया है। अभी मैंने हैंडल मारा था तो मेरे से हैंडल निकल गया था, तो मुझे लगा थोड़ा सा हाथ में। और गाइस हम लोग घर खाने के लिए गए थे, अभी खा के फिर आ गए हैं थोड़ा सा आराम करके। और थोड़ी सी बरसात आई तो पानी देखिए कितना जा रहा है। अभी आपने देखा होगा इस वाले खेत में हम काडा उपाड़ रहे थे तो यहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे पानी जा रहा है। ये थोड़ी सी बरसात आई है इसमें इतना पानी आ गया। तो अभी इस वाले खेत में हमने दो चास लगा दिए हैं, अभी ये वाला खेत है। तो अभी अपने खेत में दूसरे खेत में है, वहाँ पे क्या सभी लगाना है और धान लगाने के लिए रेडी हो गए हैं हम लोग। तो दूसरा चास लगाते ही धान लगाया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने वो जुगाड़ लगाया था पानी लाने के लिए, जैसे तैसे करके हमने पानी लाया। और अभी देखिए बरसात आ गई तो दोस्तों अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है काम और ये पावर टिलर जा रहा है। तो गाइस अभी आपको आप अपने खेत में जाकर दिखाता हूँ। ये मैं चलता हूँ अपने खेत में और ये मैंने बोरिया बिस्तरा ले लिया है अपना जुगाड़ वाला। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस ये जा रहा है अपना पावर टिलर नाले में से, बहुत पानी जा रहा है यहाँ से। बाद में यहाँ से ही हम इसको धो ले के लेके चलेंगे। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ आगे। और पानी देखिए, पानी ये पूरा अपने पैर पानी में जा रहे हैं। तो अपना काम चालू हो गया है अपने खेत में। तो अभी मैं इसको रख के आता हूँ। तो गाइस अभी आधे खेत में लगा रहे हैं और आधा खेत बाकी है। यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा चास लगा देंगे आधे खेत में। इसमें कूलेंट ज्यादा भर दिया था तो कूद कूद के निकल जाता है बाहर डब्बे में से। हमें अभी इसका स्टैंड रिंग है वो भी डालना है।
लेकिन थोड़ी देर लगेगी। वो हमने मिस्त्री को फोन लगाया था तो मिस्त्री बोल रहा है अभी हमारा काम है, बाद में लगाएंगे फ्री टाइम में, इसलिए तो अभी पुराना ऑयल डाल के फिर हम लोग इसको चला रहे हैं। ये तीन ही खेत हमें निपटाने हैं तो निपटा देंगे, बाद में रिंग डाल देंगे पिस्टन रिंग को। हम लोग कंधे भी गए थे इसका वो प्लेन का वो क्या बोलते हैं रेडिएटर लेने के लिए, तो वो रेडिएटर हम लेने गए थे तो कंधे भी छोड़ने, वहाँ पे इतने सारे पावर टिलर थे कि क्या ही मैं बताऊँ, 500 से भी ज़्यादा पावर टिलर वहाँ पे खड़े थे। तो वो पावर टिलर का हमने लीक हो जाता है इसलिए रेडिएटर बदल दिया था, तो अभी नया डाल दिया है। इसका रेडिएटर बार बार लीक हो जा रहा था तो हमने नया ही डाल दिया। और ये ज़्यादा डब्बे में पानी डाल दिया था क्लच वाला, इसलिए वो लीक हो जा रहा है। डब्बे में जो एयर के लिए वो छोटा सा वो होल होता है इसमें से निकल जा रहा है, इसलिए वो निकल रहा है, बाकी लीकेज नहीं है। और ये पिस्टन रिंग भी हम डाल देंगे थोड़े दिनों बाद, अभी अपना काम निपटा लेते हैं, नहीं तो बारिश आएगी तो फिर यहाँ पे पूरे खेत में पानी भर जाएगा। तो अभी बरसात आ रही है, फोन को मैं रख देता हूँ, तो अभी धान लगाने के लिए मजदूर आ जाएंगे। और अभी बरसात आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं फ़ोन को रख लेता हूँ, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। गाइस आज का ब्लॉग इतना है, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे मिलता रहे। तो गाइस आगे पावर टिलर जा रहा है तो अभी घर जाते हैं, इसको रिंग सीता पार के फिर व्हील लगा के घर जाते हैं। चलो गाइज मिलता है नए ब्लॉग में।